पहले मारे, मेरे सारे बाल उतार दिए, कटर कटर कर मेरे सर पे मारा उसने, मेरे कपड़े लहूलुहान, मुझे पाइप से बांध के उसने पंखे से लटका रहा था। मुझे हेल्प चाहिए, आप सबकी हेल्प चाहिए मुझे। दोस्तों के सामने रक्स ना करने की सजा, डिफेंस के इलाके में खातून पर मुबैना बहिमाना तशद्दुद, शौहर ने बरहना करके सर के बाल काट दिए। मुतासरा इस्मा ने 4 साल कबल फैसल से मोहब्बत की शादी की, फैसल ने दोस्तों से मिलकर पाइपों से तशद्दुद किया। इस्मा का इल्ज़ाम, आईजी पंजाब का नोटिस, वाकई का मुकदमा दर्ज, DIG इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर इनाम वहीद को खुद इंक्वायरी का हुक्म। आ गया हूँ, अब सब ठीक हो जाएगा। सरदार उस्मान बुज़ार का न्यू अस्पताल के दौरे पर फौरी एक्शन, मरीजों को दी जाने वाली नाकी सहूलियात पर बरहम। MS न्यू अस्पताल डॉक्टर ताहिर खलील मुअत्तल, चीफ फार्मासिस्ट मलिक अरशाद भी ओहदे से फारिग। CEO असद असलम को वार्निंग, मरीजों के लवाहिकीन को दादरसी की मुकम्मल यकीन दहानी। अदालत ने 36 DSPs की मुअत्तली का नोटिफिकेशन कालाधम करार दे दिया। आपने पहले DSPs मुअत्तल किए, फिर इंक्वायरी शुरू की। अदालत, कानून इजाजत देता है कि मुअत्तली के बाद इंक्वायरी हो। DSPs को मिसकंडक्ट, खराब कारकर्दगी पर मुअत्तल किया। सरकारी वकील, मुअत्तल DSPs का मौकिफ सुनकर फैसला किया जाए। जस्टिस अमीर भट्टी, DSPs के मुअत्तली से खुद एहतसाबी का अमल शुरू किया, हम हर वक्त एहतसाब के लिए तैयार हैं। IG पंजाब अमजद जावेद सलीमी का तकरीब से खिताब, हुकूमत से वसाइल ना मिलने का शिकवा, बोले के वसाइल मिलते नहीं और रिजल्ट लंदन पुलिस का मांगा जाता है, हुकूमत ने पुलिस को लावारिस रखा हुआ है। वज़ीर आला ने पूरे सिस्टम का बेड़ा गरक कर रखा है। वज़ीर आला को बता दें, आइंदा अदालती हुक्म अदूली बर्दाश्त नहीं करेंगे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब यूसुफ नसीम खोखर ने भी इंतहा कर दी। जस्टिस कासिम खान, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और चीफ सेक्रेटरी पर बरस पड़े। रिटायर्ड TA सेक्रेटरी को बकाया जात अदा न करने के खिलाफ केस की समाअत, अदालत ने 15 अप्रैल को चीफ सेक्रेटरी पंजाब समेत दीगर अफसरान को तलब कर लिया। रियलिटी शो के लिए यहाँ नहीं आते हैं मियां साहब, ऐसा रवैया नहीं चलेगा। अदालत का शहबाज शरीफ को रोस्ट्रम पर बुलाकर इस्तफसार। आशियाना और रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस केस की समाअत 9 अप्रैल तक मुलतवी। अदालत का शहबाज शरीफ के वकला के रवैये पर इजहार बरहमी। वकला की हड़ताल के बायस आज शहादत कलमबंद ना की जाए, जूनियर वकील की इस्तदा, हड़ताल बाहर जाकर करें। जज सैयद नजमुल हसन के रिमार्क्स। शहबाज शरीफ को आइंदा समाअत पर गैर मुतल्लिका वकला को साथ ना लाने की हदायत। मुलजिमान की आज फर्द जुर्म बयानात की नकुल फराहमी की दरख्वास्त भी निपटा दी। नवाज शरीफ का जेल रहाई के बाद जाती उम्रा में पहला रोज, वालिदा और बेटी के हमरा नाश्ता किया। जाती मालिज डॉक्टर अदनान ने मामूल का चेकअप किया। नवाज शरीफ के ब्लड प्रेशर, शुगर समेत दीगर टेस्ट। साबिक सेनेटर आसिफ करमानी की नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए जाती उम्रा आमद, बोले नवाज शरीफ की रिहाई सच की फतह है, बीमारी पर सियासत करने वालों को खुदा खौफी करनी चाहिए। जमानत पर रिहाई के बाद साबिक वजीर आजम का प्रोटोकॉल भी बहाल, नवाज शरीफ को पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी फराहम कर दी गई। जाती उम्रा में 5 पुलिस एहलकार तैनात, नवाज शरीफ घर से बाहर जाएंगे तो पुलिस की गाड़ी भी साथ चलेगी। नवाज शरीफ को सब बीमारियां इकतदार के बाद लगी, प्ली बार्गेन का मास्टरमाइंड शहबाज शरीफ है। बिलावल भुट्टो को अगले मार्च के लिए अपना सैलून पेश करता हूं, मेरा वोट नैब कवानीन बदलने के खिलाफ होगा। शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले IMF से कर्ज के बाद मजीद महंगाई होगी। समझौता एक्सप्रेस के फैसले के खिलाफ आलमी अदालत जाने का ऐलान। नैब आजाद है तो इमरान खान और उनके वज़रा चेयरमैन नैब को क्यों मिलते हैं?
इमरान खान की जहनी सोच बहुत छोटी है। 1,00,000 नौकरियां देने का कहकर लाखों लोग बेरोजगार कर दिए। इमरान खान का आईएमएफ के पास जाना खुदकुशी के मुतरादिफ है। सरदार अयाज सादी की मीडिया से गुफ्तगू। तनख्वाहों में कटौती खत्म, प्रमोशन देने का मुतालबा। कौम के मेमार सड़कों पर खार। प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन के उद्यदारों का धरना दूसरे रोज भी जारी। पंजाब असेंबली के सामने पड़ाव। महकमा हायर एजुकेशन का कोई नुमाइंदा मुजाकरात के लिए ना आया। मुजाहरीन की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान। फैसल चौक ट्रैफिक के लिए बंद। मॉल रोड और इतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक का शदीद दबाव। तब्दीली सरकार में स्कूल एजुकेशन मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज। लाहौर डिस्ट्रिक्ट में 60 स्कूल्स की इमारतें जान का खतरा बन गईं। मुकर्रा वक्त गुजर गया, खतरनाक इमारतें गिराने का काम मुकम्मल न हो सका। स्कूल सरबराहान से दोबारा सर्टिफिकेट तलब कर लिए। लोअर मॉल के इलाके में दरीना दुश्मनी पर गोलियां चल गई। पेशी से वापस आने वालों पर मुखालिफिन की अंधाधुंध फायरिंग। एक शख्स जान बहक, 3 शदीद जख्मी, हॉस्पिटल मुंतकिल। मुलजिम फरार, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तहकीकात शुरू कर दी। सेफ सिटी अथॉरिटी ऑरेंज लाइन ट्रेन की भी निगरानी करेगी। रूट और स्टेशंस पर सीसीटीवी कैमरे नस्ब करने का फैसला। कैमरों की मॉनिटरिंग अरफा क्रीम टॉवर मॉनिटरिंग सेंटर से की जाएगी। ऑरेंज ट्रेन रूट पर 1,180 कैमरे लगाने की तजवीज दी गई। रजिस्ट्री इंतकाल और फर्द का मामला ज़ेरे इंतवा। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मुतल्लिका इदारों को 3 माह बाद होश आ गया। अर्बन एरिया में रिकॉर्ड की तैयारी पर काम शुरू। कानून बनाने के लिए 13 रुकनी कमेटी बना दी गई। पब्लिक मकामात पर आतिश सजदगी के वाकयात की रोकथाम के लिए बड़ा इकदाम। एलडीए का पुराने फायर हाइड्रेंट फाल करने का फैसला। मसरूफ तरीन मार्केट्स में नए हाइड्रेंट लगाने की भी सिफारिश। शहर में ताला तोड़ चोर गैंग सरगर्म। कला गुजर सिंह के इलाके में जनरल स्टोर पर चोरी की वारदात। चोर 15,00,000 रुपए नकदी और दीगर सामान लूट कर रफू चक्कर। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। सब्जियों के निरखों में उतार चढ़ाव। टमाटर की कीमत कम, सब्ज मिर्च की ट्रिपल सेंचुरी। टमाटर 50 रुपए, सब्ज मिर्च 300 रुपए किलो फरोख। इंतजामिया सरकारी रेट पर अमल दरामद करवाने में भी नाकाम। 12 रुपए वाले आलू 20 रुपए में फरोख। प्याज की 28 रुपए कीमत मुकर्रर मगर फरोख 35 रुपए पर जारी। मुर्गी का गोश्त 2 दिन मुस्तहकम रहने के बाद आज फिर महंगा हो गया। ब्रॉयलर गोश्त 3 रुपए महंगा, 231 रुपए किलो बिकने लगा। एडवांस टैक्स की अदायगी ना करने वालों की शामत आ गई। एफबीआर ने 300 अफराद को नोटिस जारी कर दिए। एडवांस टैक्स की अदायगी के लिए 7 रोज की मोहलत दे दी गई। लखूडेर लैंडफिल साइट के काम पर ताखीर क्यों है? जिम्मेदारों का तायुन करने के लिए कमेटी कायम। गैर कानूनी डंपिंग किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं करूंगी। काम को जल्द मुकम्मल करने के लिए अर्बन यूनिट को खत लिखने की भी हदायत। डीसी लाहौर सालिया सईद की जेर सदारत LWMC इजलास में अहम फैसले। सालिया सईद का चिल्ड्रन हस्पताल का भी दौरा। पार्किंग के मसाइल और ट्यूबवेल के लिए मुख्तस जगह का दौरा। पोलियो डेस्क का भी मुआयना। वफाकी सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डॉक्टर एजाज मुनीर के सुसर की नमाज जनाजा GOR1 में अदा। अमीन वेंस, बी ए नासिर, शमाल अहमद ख्वाजा की शिरकत। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सरदार एजाज, GM सिकंदर, मोमिन अली आगा, तारिक मसूद यासीन समेत दीगर अहम शख्सियात भी शरीक। मुल्क का हर बच्चा वतन का सपाही। पाक फौज ने कैंसर ज़दा बच्चियों के सपाही बनने की ख्वाहिश पूरी कर दी। दोनों बच्चियों की कोर कमांडर लाहौर से मुलाकात। यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए। आर्मी म्यूजियम का भी दौरा किया। ISPR।